Kotru ji ko presentation ke liye. Friends, I'll just repeat, there is a lot of noise actually. Please keep your mobile in the silent mode. Can you have presentation, please? Repeat. Isko present jaisa waise kuch hai nahi. Presentation ko zip kar diye. Namaskar. Next. जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री, ये कमेमोरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है. तो इसलिए एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी बनती है जिसमें माननीय गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं. इसकी पहली बैठक जो 25 नवम्बर को हुई, उसमें यह तय किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो है उसे धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद माननीय संस्कृति मंत्री जी ने एक 15 दिसंबर को बैठक बुलाई, जिसको हम वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कह सकते हैं, जिसमें INA से जुड़े हुए वेटरन्स, एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, इस तरह के बहुत लोग आए और काफ़ी खुल के चर्चा हुई. उनसे हमने सुझाव मांगे और मंत्री जी ने उस पर विचार किया और काफ़ी कुछ उसमें से हमने कार्यक्रम चुन लिए हैं. और आगे भी हम, क्योंकि ये एक वर्ष की पूरी योजना चलेगी, तो हम उसको, उन सुझावों को लेके आगे बढ़ रहे हैं. तो जैसा सर ने बताया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है, उसकी भी गैजेट नोटिफिकेशन हो चुकी है और आगे चलते हैं. तो ये जो संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है पहला, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया, तो 23 जनवरी को कलकत्ता में उसका उद्घाटन समारोह है. पराक्रम दिवस की घोषणा तो आपने जैसे सुना वो हो चुकी है. इसमें नेताजी पर एक प्रदर्शनी लगेगी जिसमें 125 स्टोरीज हमने निकाली हैं. स्टोरीज इन द सेंस नेताजी से जुड़े हुए कुछ विचार वगैरह उस पर हम कर रहे हैं. एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो बहुत ही भव्य, क्योंकि विक्टोरिया का फसाड बहुत ही ग्रैंड है, वहाँ पे पहली बार ऐसा शो नेताजी पे हम बना रहे हैं. इसी तरह 4 दिवसीय एक आर्टिस्ट कैंप हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में, उसका वीडियो हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे. एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी में. नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे. इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसका नाम है आमरा नूतन जौबनेरी दूत, जो गुरुदेव टैगोर जी ने एक बात कही थी नेताजी के लिए, उसको थीम को लेके नेताजी के ही गीतों पे ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है. उसके अलावा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का सम्मान किया जाएगा वहाँ, जितने जीवित सैनिक हैं उनके परिवार वाले वो वहाँ आ रहे हैं. और स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा और स्मारक सिक्का भी. ये इसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम की. जैसा ये जी, ये तो कटक वगैरह का जो सर ने बताया था कार्यक्रम, कटक में भी हो रहा है और त्रिपुरी जबलपुर में भी एक प्रदर्शनी करने का विचार है. और हरिपुरा में भी हमारी एक प्रदर्शनी हो रही है, जो नंदलाल बोस जी के हरिपुरा पैनल्स हैं उनकी एग्जीबिशन लग रही है. तो ये कुछ झलकियाँ हैं जहाँ पे कार्यक्रम होगा कलकत्ता में. ये प्रदर्शनी की एक झलकी है. ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें पापोन, उषा उत्थम जी वगैरह इसमें आर्टिस्ट आएंगे. ये एक झलकी है उस बुक्स की, जो नेताजी के पत्र हैं उनको हमने एडिट करके एक किताब बनाई है. ये जो कुछ जीवित INA वेटरन्स हैं उनकी तस्वीरें हैं. एंड वी आर फॉर्चुनेट कुछ उनमें से आ पा रहे हैं उनकी वृद्धावस्था के बावजूद, दे हैव एग्रीड टू कम, तो हम उनका वहाँ पे सम्मान करेंगे. ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो की एक झलकी है. ये समापन गीत होगा शुभ सुख चैन, जो नेताजी और INA से जुड़ा हुआ है उसी कार्यक्रम में. ये नेशनल लाइब्रेरी का एक, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कर रहे हैं और कलाकारों के लिए 4 दिवसीय कैंप भी लग रहा है. इसके कुछ ये सत्र हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, मैं उसमें आपका समय नहीं लेना चाहती हूँ. ये सारे उसमें वक्ता हैं, काफ़ी सारे जाने माने विशेषज्ञ हैं इसमें, एक्सपर्ट्स हैं. इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं संस्कृति मंत्रालय की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी. जैसा हमने कहा कि ये सुझाव सब हमने, मंत्री जी ने स्टेक होल्डर्स से काफ़ी कंसल्टेशन करने के बाद ही ये सब हमने निकाले हैं. जैसे नेताजी एवं आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों पर और स्थानों पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, ऐसा हमारा विचार है. और कार्यक्रम की तैयारियाँ हम कर रहे हैं, जैसे 14 अप्रैल मोइरंग दिवस के रूप से फेमस है, 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस है, इसी तरह 30 दिसंबर नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में ध्वजारोहण किया था. तो ये सब मुख्य तारीखों पे कुछ कुछ कार्यक्रम जरूर किए जाएंगे. नीलगंज में एक स्मारक बनाने की योजना भी है, जहाँ पे ब्रिटिश सेना के हाथों आज़ाद हिंद फौज के सेनानी शहीद हुए थे,
और प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र गुप्त जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति थे उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ INA, इसको डीक्लासिफिकेशन करके प्रकाशन करने का भी हमारे कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में कटक में एक स्मारक का निर्माण की योजना है, एक दिलीप कुमार राय जी की पुस्तक है द सुभाष आई नो, उसका पुनः प्रकाशन का भी प्रोग्राम हमने बनाया है। युवाओं के बीच नेताजी के विचारों को प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया अभियान किया जाएगा। INA के मुकदमों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का विचार है और कर्नल ढिल्लों और जनरल शाहनवाज खां की जीवनियों का प्रकाशन करने का भी विचार कर रहे हैं। अन्य मंत्रालयों द्वारा जो हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उसकी एक झलकी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहला पर्यटन मंत्रालय का, सर ने जैसा बताया देखो हमारा देश के अंतर्गत वेबिनार होगा और मणिपुर में नेताजी के जीवन और घटनाओं पर भी एक वेबिनार है। कटक में हेरिटेज वॉक किया जाएगा, वर्कशॉप और सम्मेलन जगह जगह पर हम प्लान कर रहे हैं जैसे शिलोंग, भुवनेश्वर वगैरह, अंडमान, इम्फाल। इसी तरह हर माह नेताजी के जीवन से जुड़े स्थानों पर एक हेरिटेज वॉक होगी और डोमेस्टिक इंडिया टूरिज्म ऑफिस के द्वारा नेताजी के जीवन पर क्विज और वार्ताएं होंगी और हर माह IHM के द्वारा वर्कशॉप और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पूरा ईयर राउंड प्रोग्राम है। इसी तरह जैसा सर ने अभी बताया एक ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट है जो काफ़ी सालों से हो रही है, इसका 38th एडिशन जो है वो इस साल होगा और ये स्थानीय ग्राउंड गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में हो रहा है। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, पर्यटन मंत्रालय इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा ये INB मिनिस्ट्री के कुछ कार्यक्रम हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे इंस बनाने का विचार किया है, उनके रीजनल यूनिट्स और जो नेशनल सर्विस डिविजन हैं वो सारे ही काफ़ी सारे कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं नेताजी के ऊपर। दूरदर्शन समाचार में भी काफ़ी प्रोग्राम होने के लिए प्रस्ताव आया है। DD न्यूज़ पे जो भी आर्काइवल फुटेज है उसके बेसिस पे नई डॉक्यूमेंट्रीज, कार्यक्रम, पैनल डिस्कशंस वगैरह किए जाएंगे। इसके अलावा जो NFDC है वो एक शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता भी आयोजन करेगी जिसमें भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसा पूरा किया जाए इस पर शॉर्ट फिल्म बनेगी। शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि वे 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी पर 5 चेयर्स की स्थापना करेंगे और UGC के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और रूपी MOOCs विकसित करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए 6 महीने के क्रेडिट पर आधारित एम्बेडेड प्रोग्राम किया जाएगा और रक्षा विज्ञान में शोध के लिए आवासीय स्कॉलर कार्यक्रम होगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में आज़ाद हिंद फौज पर फिल्म मेकिंग की प्रतियोगिता की जाएंगी, ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता होंगे वगैरह, फिर अन्य कई कार्यक्रम हैं। स्पोर्ट्स मंत्रालय ने भी काफ़ी प्रोग्राम बनाए हैं जैसे फरवरी के अंतिम सप्ताह में साइक्लोथॉन किए जाएंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे और खेलो इंडिया परियोजना में वो कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध किए जाएं इस दौरान, क्योंकि नेताजी एक यूथ आइकॉन माने जाते हैं तो यूथ के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काफ़ी कुछ प्लान कर रहा है। इसी तरह जो यूथ अफेयर्स विभाग है वो चाहते हैं साइक्लोथॉन, ज्ञान प्रतियोगिताएं, पद यात्राएं, रैली, इस तरह यूथ को जोड़ने के लिए कि वो सब पेट्रियाटिक फर्वर से आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उनमें जागे, इसलिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यूथ अफेयर्स ने प्लान किया। एडवेंचर प्रोग्राम, रक्तदान प्रोग्राम, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इस तरह के। रक्षा मंत्रालय की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आज़ाद हिंद फौज की धुन कदम कदम बढ़ाए जा कुछ शामिल किया है और नेशनल लाइब्रेरी में जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है वहां आर्मी बैंड का भी प्रदर्शन होगा INA की धुनों पे और आज़ाद हिंद फौज द्वारा जापानी सेना के हथियारों की पहचान का कार्य कर रही है रक्षा मंत्रालय ताकि उन्हें हमारे सुभाष बोस म्यूजियम में लाया जा सके। और डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी एक और चीज़ थी, सर ने शायद बताई थी, हमारी जो झांकी है संस्कृति मंत्रालय की उसमें भी थीम, एक मेन थीम नेताजी पे ही है इस बार संस्कृति मंत्रालय का। और एक स्मृति डाक टिकट जारी होगा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कहा है कि वो एयर इंडिया के कुछ विमानों पर नेताजी के चित्र बनाएंगे। MyGov ने क्विज का आयोजन किया है और एक लोगो कॉन्टेस्ट भी हो रहा है नेताजी के 125 लोगों के लिए। और आर्थिक कार्य मंत्रालय ने नेताजी पर स्मृति सिक्के जारी करने का भी प्रोग्राम बनाया है।
कैन वी हैव द वीडियो प्लीज, एक शॉर्ट वीडियो है आपको दिखाएंगे सर, जो वो जी जी जो हमारे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में पेंटिंग कैंप चल रहा है जो 23 को समापन उसका है, देख लीजिए।